अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज नक्शबंदी साहब मेरे साथ एक बार और हैं, तो मैंने कहा भैया शुरू कर देते हैं। ऐसी क्या बात है, इंटरव्यू में ये क्या कह रहे हैं, मुनाफिकत कैसे दिखाई जाती है, आज ये नक्शबंदी दिखाएंगे। इस्लाम में दोगलेबाजी क्या है, आज ये नक्शबंदी दिखाएंगे। अपनी दुकान कैसे चलाना है और गोश्त रोटी कैसे परमानेंट खाना है और करोड़ों का बंगला कैसे बनाना है और जहन्नम में अपनों को कितने साथ लेके जाना है, आज नक्शबंदी साहब बताएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, मिस मत करना, मिस करोगे तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। तो वीडियो को देखते रहो। सबसे पहले आप ये क्लिप देखो। मैं अगर मशरिक में हूँ, गौसे आजम फरमाते हैं, मैं अगर मशरिक में हूँ, मेरा मुरीद मशरिक में है, और अगर उसका तहबन हट जाए तो मैं मशरिक में बैठकर तहबन सीधा कर देता हूँ। तहबन सीधा करना क्या मतलब है मेरे भाई? जब नींद की हाल में मुरीद अगर सो रहा हो, सोते वक्त किसी को कोई कुछ याद रहता है? सोता हुआ वो तो गफलत में पड़ा हुआ है, मगर गौसे पाक कहते मैं गाफिल नहीं हूं। गौसे पाक कहते मैं गाफिल नहीं हूं। गाफिल नहीं है तो कोरोना वायरस क्यों नहीं ठीक हो रहा? सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है, अपने माइंड में आती है। पूरी दुनिया मर रही है, इधर खैर छोड़ो, जाने दो, ये कोरोना वायरस गौसे आजम के बस की बात नहीं, इसको अल्लाह ताला ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला से दुआ जो मांग रहा है। देखो आप, निगार मौला ये कोरोना वायरस की अजाब हम सब से दूर फरमा दे। ए अल्लाह कोरोना वायरस की अजाब हम सब से दूर फरमा दे। ए अल्लाह इस वबा को जल्द से जल्द उठा ले मेरे मौला, मौला इस वबा को जल्द से जल्द उठा ले, इसका खात्मा फरमा दे। तो देखा, कोरोना वायरस के लिए अल्लाह से दुआ मांग रहा है। गौसे आजम की बस की बात नहीं, गौसे आजम छोटे मोटे काम कर सकते हैं, ठीक है ना, तहबंद ठीक कर देना, जैसे कि ये बोल रहा है, सोते हुए अगर तहबंद घट जाए तो तहबंद ठीक कर देना, दांत टूट जाए तो दांत निकाल देना, चोट वोट लग जाए तो उसको ठीक कर देना, छोटी मोटी मुरादें पूरी कर देना, जैसे कि मेरी वो लड़की से शादी हो जाए तो मैं ये करूँगा, वो लड़की मेरी इस लड़के से शादी हो जाए तो मैं दो चढ़ावा चढ़ाऊंगी या जो भी है मजार पर जाऊंगी, ये सब काम कर सकते हैं, राइट। ये खुद बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है, ठीक है। आगे की क्लिप देखो आप मेरी बात सुन रहे हैं? अरे सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, हम आपकी बात सुन रहे हैं। अरे सॉरी, गलती हो गई भैया, नक्शबंदी साहब आप इतना जल्दी, मतलब सुन रहे हैं बात आप? बोलूं? बोलो बोलो बोलो, बिल्कुल बोलो। अरे हम सुन रहे हैं, सुनने के लिए तो आए हैं आपके लिए, फिर आप कह रहे हैं कि सुन रहे हैं। अरे सुन रहे हैं भैया, आगे बोलो। आजकल लोग तबलीग करते हैं, लोगों को दीन की दावत देते हैं, कैसी दावत देते जरा देखो। आजकल लोग तबलीग करते हैं, जैसा कि कहा नक्शबंदी, दीन की दावत देते, देखा कैसे दीन की दावत देते हैं, नक्शबंदी खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहा। लोग तबलीग करते हैं, दीन की दावत देते हैं, दीन की दावत देना क्या है, अल्लाह से मांगो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलो। इन्हों क्या कह रहा, गौसे आजम को पुकारो, गौसे आजम आते दूर करते, ये अपनी गोश रोटी चला रहा, ये खुद अपने आप को एक्सपोज कर ले रहा। मैं कुछ बोलूंगा नहीं ज्यादा, आप खुद समझदार हैं, तजुर्बेकार हैं। आगे देखो, बाज लोग कहते हैं भाई अल्लाह हमको बचाएगा, अल्लाह कहीं भी कुछ भी नहीं करता, बचाने के को आएगा नहीं। एक साहब बोले मुझे अल्लाह खिलाता है, मैं बोला नौकरी नहीं करते? अल्लाह कहीं कुछ भी नहीं करता, ओ तो इसीलिए तुम दुआ अल्लाह से मांग रहे थे, तभी अभी बोल रहे अल्लाह कहीं कुछ भी नहीं करता, मतलब क्या है भाई अल्लाह कुछ नहीं करता? नहीं, कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो ना, साफ साफ बोलो कि अल्लाह ताला से मैं दुआ कर ही नहीं सकता, ना मुझे मांगने की ताकत है, मैं गौसे आजम से ही मांगूंगा और किसी से नहीं मांगूंगा, साफ साफ क्यों नहीं कहते? लेकिन आपके गौसे आजम में कोरोना वायरस ठीक करने की ताकत ही नहीं है, छोटे मोटे काम करने की ताकत है, तहबंद सही कर देना, ये वो वगैरह वगैरह। आगे वाली क्लिप भी देख लीजिए। अमेना का लाल वो है जो इशारा कर दे तो चांद के टुकड़े हो जाते हैं, नबी वो है जो हाथ उठा दे तो डूबा सूरज पलट कर आता है, नबी वो है जो अगर किसी काफिर को बेच दे तो उसकी बात सुनकर झाड़ चलता हुआ दरबारे मुस्तफा। आगे वाली क्लिप देखा आपने, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कर रहा है, बहुत ही बढ़िया नक्शबंदी। इसने चार वीडियो में देखो क्या कहा, पहले इसने गौसे आजम को पुकारा, फिर इसने कहा कि दावत का काम लोग कैसे करते, खुद एक्सपोज कर रहा अपने आप को, तीसरी चीज अल्लाह से मांग रहा, बोल रहा गौसे आजम से मांगो, खुद अल्लाह से मांग रहा, पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था।
उसके बाद ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कर रहा, देखो ये दीन को अपने हिसाब से चला रहा, समझे, ये दीन पे नहीं चल रहा, ये दीन को अपने हिसाब से चला रहा। कैसे, मैं बताता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, मेरी इताअत करो, अल्लाह ताला बोलते मेरी इताअत करो, रसूल अल्लाह सल्लम का कहना मानो। ये दीन को अपने हिसाब से चला रहा, जहां पर जरूरत पड़ रही गौसे आजम की तारीफ कर रहा, जहां पर जरूरत पड़ रही अल्लाह की बुराई नौज़ बिल्ला, अल्लाह को बुरा भला कर रहा कि अल्लाह कुछ नहीं कर सकते, जहां पर जरूरत पड़ रही अल्लाह से दुआ भी मांग रहा, जहां पर जरूरत पड़ रही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई भी बयान कर रहा, भले झूठी हो या मनगढ़ंत वो भी बयान कर दे रहा, जहां पर जरूरत पड़ रही है वहां पर ये खुद अपनी अपनी चीजें बदल रहा है। देखो भैया, एक मजलिस में एक तरह की बातें तो कर नहीं सकते, हर मजलिस में गौसे आजम को पकड़ लिया भैया, लोग बोर हो जाते और दुकान बंद हो जाती। इसीलिए इसने क्या तरीका निकाला, कहीं पर अल्लाह ताला की तारीफ करो, कहीं पर नौज बिल्ला अल्लाह को कह दो कुछ नहीं कर सकते। नौज बिल्ला बताओ, अल्लाह ताला इतनी बड़ी, मैं क्या कहूँ, सब तो जानते ही हैं उनके बारे में ये पाखंडी क्या कह रहा है। खैर, उसके बाद ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कह रहा है, भैया ये कहना क्या चाहता है, आखिर ये मंगवाना क्या चाहता है। कहता है कभी गौसे आजम से मांगो, कभी कहता है अल्लाह से दुआ मांग रहा है, कभी कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सदके में दुआ, मतलब कहना क्या चाहते हो भैया कि किससे दुआ मांगे, नहीं तुम क्या दीन क्या बता रहे, बताना क्या चाह रहे ये हमको बता दो तो समझ में आ जाए, हमारा तो साफ साफ है। और मैंने कहा ये मुनाफिकत फैलाता है, किस लिए कहा, इधर साइड में हदीस देखो, देखा ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे, तीन चीजें जिसके अंदर हो वो मुनाफिक है, बात करे तो झूठ बोले, इन्हों क्या कर रहा, सच बोल रहा, मुझे लोग पलट के कह दे रहे, अरे तुम कैसा बोल दिए एक मुसलमान को मुनाफिक, मुनाफिकत है इसके अंदर, मुनाफिकत से बदतर है इनू, उससे भी बदतर, मैं बदतर से बदतर बोल रहा हूँ मैं इनको, क्योंकि ये हदीस क्या कह रही देख ली है ना तुम, लगी है देखते रहो, हदीस देखते रहो, पढ़ते रहो, याद कर लो, सही बुखारी की है बुक, दलील सब मौजूद है, चेक करो जाके, कोई दिक्कत नहीं। ये दीन को अपने हिसाब से चला रहा नऊज़ बिल्ला, और ये दीन पे खुद नहीं चल रहा, कुरान का तर्जुमा पढ़ते नहीं है, अकल है नहीं, ना अल्लाह के रसूल की कोई सीरत पढ़ी, अकल है नहीं, जो ये बता रहा है वही आंखी बंद करके मान रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस पे बयान कर रहे हैं मुनाफिकत वाली पे, और जो अल्लाह ताला ने जो कुरान के आयतें उतारी हैं, और जब कोई बात तुम्हारे पास आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो, हदीस बहुत मारूफ है, बहुत मशहूर है, सुनी होगी आपने, कोई तहकीक होती है उन्हों बोला मैंने मान लिया, यही तो हो रहा है। ये दीन को जहां पर जरूरत पड़ी अल्लाह ताला को बोल दिया, जहां पर जरूरत पड़ी अल्लाह ताला को बुरा बोल दिया नऊज़ बिल्ला, जहां पर जरूरत पड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल दिया, जहां पर जरूरत पड़ी गौसे आजम की बड़ाई बयान करने लगा, जहां पर जरूरत पड़ी ख्वाजे की बड़ाई बयान करने लगा। मतलब ये कुरान हदीस बयान ही नहीं कर रहा। लोग कहते भैया इनके वीडियो में कोई अच्छाई भी तो होगी, भैया कहां से अच्छाई दिख रही तुमको, कहां से अच्छाई, नहीं एक अच्छाई दिखा दो अच्छा, और वो तुम 100 रुपए किलो सड़ा सेब है, 100 रुपए किलो अच्छा सेब है, तो क्या बदकली करते तुम, लेते सड़ा सेब, इनसे दीन ले रहे तुम, 100 रुपए किलो सड़ा सेब लोगे, एक तरफ अच्छा भी है तो तुम क्या करोगे, नहीं भैया ठेक के लेते, अच्छा चाहिए। और दीन में कोई अकल शहूर नहीं है, जो मिल रहा ले लो, जो मिल रहा ले लो अमल कर लो, जो मिल रहा ले लो अमल कर लो, और अमल भी वही चीज पे करते जो आसान है, नमाज का पता नहीं मजार धड़ाधड़ हो रही, कभी भी जकात देने का आदमी के हलक सूख रहे सदकात करने के लिए, और हर जुमेरात फातिया धड़ाधड़ हो रही, घर नया बना तो ये नहीं कि लाओ इल्म में सुधार करें या कुछ भी, कुरान खानी फटाफट हो जा रही, कितनी चीज के एग्जाम्पल दे भैया, एग्जाम्पल पर एग्जाम्पल है मौजूद, एक वीडियो में तो हम एग्जाम्पल क्या 10 वीडियो में भी नहीं दे सकते, इतने सारे तो एग्जाम्पल है इन लोगों के लिए। खैर, वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो तो अच्छी है ही आपको लगी ना लगे, और भैया ये दीन अपने हिसाब से चला रहा, जरा संभल के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, जब तुम किसी को दोस्त बनाओ तो तुम देख लो कि वो किसके दीन पर है, हदीस देखो साइड में, हदीस देखा करो, ज्यादा बातें नहीं, हदीस देखो, जब तुम दोस्त बनाओ तो तुम देख लिया करो किसके दोस्त पर है, क्योंकि वो सब पूरा हदीस पढ़ लो तुमको खुद ही समझ में आएगा, हमको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। तो मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, ये भाई साहब अपने हिसाब से दीन चला रहा, आप देखो बस, और फॉलो करना है तो करो भैया, मिलते हैं अपने अगली नेक्स्ट वीडियो में, इसको शेयर कर सकते हैं, एक्सपोज कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं भैया, इसको शेयर करना वीडियो को, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, सब्सक्राइब।